एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डाइजेशन जो शुरू किया था ह्यूमन बीइंग में, तो फर्स्ट हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल का हमने देखा था कि वो 8 to 10 meters जो है वेरीज करती रहती है, पर्सन के हाइट पर डिपेंड करता है उसकी लेंथ, उसका जो ट्यूब है उसकी जो लेंथ है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, बट हमने एक स्टैंडर्ड साइज लिया था 8 to 10 meters। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो माउथ से ओपन होता है, एनस में ख़त्म होता है, उसके बीच में कई पार्ट्स भी होते हैं जिसके बारे में हम लोग ने अपने लास्ट वीडियो में देखा है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग में, जहाँ पर हम हर एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम शुरू करते हैं माउथ से। माउथ जो होता है, जो सामने हमारा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है? ये गार्डेड है दो लिप्स से जो बहुत मूव करती हैं। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं यानी लेते हैं खाने के लिए, तो उसका इंजेक्शन कहाँ होता है? माउथ में होता है। ओके, माउथ को हम ओपन करते हैं तो क्या दिखता है हमें? बक्कल कैविटी दिखता है। तो इससे समझ में क्या आता है कि हमारा जो माउथ है वो ओपन हो रहा है बक्कल कैविटी में और गार्डेड बाई टू लिप्स जो मूव करती हैं। ओके, अब हम आते हैं बक्कल कैविटी में। माउथ बस इतना ही है, उसके बाद तो ज़्यादा कुछ माउथ का नहीं है। उसके बाद बक्कल कैविटी में आते हैं, जिसको हम माउथ कैविटी भी कहते हैं, यानी खाना जो मुंह के कैविटी में गया है उसकी बात हम कर रहे हैं। वहाँ पे तीन चीज़ों से मिलके खाने का पार्शियल डाइजेशन होता है। वो तीन चीज़ें जो है हेल्प करती हैं खाने को चू करने में या फिर उसको बोल्ड फॉर्म में करने में। फर्स्ट होता है हमारा टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड यानी सलाइवा। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है सलाइवा सिक्रीट करती है, हमें पता है। वो कुछ होता है वाटरी टाइप का मटेरियल जो खाने को सॉफ्ट कर देता है, क्योंकि अगर हम ड्राई खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्राई खाएंगे तो खाना कहीं ना कहीं हमारे चुभेगा, खाया नहीं जाएगा। तो इसीलिए एक नेचुरल प्रोसेस से सलाइवा जो होता है, जो दिन भर में 1 to 1.5 liters के करीब जो होता है जिसका प्रोडक्शन होता है, ये हमारे मुंह में वाटरी फॉर्म में होता है और खाने को च्यू करने में हेल्प करता है। टीथ तो च्यू करती है, बट ड्राई खाने को हम सिर्फ टीथ से करेंगे तो फंसेगा, इसीलिए सलाइवा एक होता है जिससे खाना सॉफ्ट होता है और हम ईजिली उसको खा लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? बक्कल कैविटी कंटेन टंग, टीथ एंड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड इन अवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड हेल्प इन केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग एंजाइम। जो एंजाइम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। ये जो सलाइवरी एमाइलेज है उसको हम बोलेंगे टाइलिन। ठीक है, तो ये क्या करता है? केमिकल डाइजेशन करता है कि करने में हेल्प करता है अपने एंजाइम से। अब एंजाइम है तो वो कुछ काम तो करेगा ही, तो जो सलाइवरी एमाइलेज है वो क्या कर रहा है कि स्टार्च का ब्रेक डाउन कर रहा है किसमें? शुगर में। क्या कर रहा है? स्टार्च का ब्रेक डाउन कर रहा है शुगर में। अब आप पूछेंगे स्टार्च क्या है? स्टार्च जो होता है वो पॉलीसेक्राइड होता है। पॉलीसेक्राइड मीन्स पॉली मतलब क्या होता है? मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा जो चीज़ें मिलके बनी होती हैं वो पॉली होती है। और सेक्राइड क्या होता है? शुगर, यानी हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो ये ग्लूकोज जो होता है जब इस तरह से फॉर्म रहता है, एक के साथ एक जुड़ा रहता है, और ये ऑलमोस्ट 1000 या उससे भी अबव क्वान्टिटी में एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, और ये क्या बना रहा है? पॉली चेन बना रहा है सेक्राइड का। और ये पॉलीसेक्राइड ही क्या होता है? स्टार्च होता है, यानी ढेर सारे शुगर का मिलके जो एक फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। ओके, अब ये सलाइवरी एमाइलेज जो होता है स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है किसमें? शुगर में। शुगर क्या होता है? शुगर एक माल्टोज है। क्या है शुगर? शुगर एक माल्टोज है, माल्टोज है। ठीक है, अब ये माल्टोज क्या होता है? माल्टोज होता है डाइसेक्राइड। क्या होता है? डाइसेक्राइड। तो हमने क्या पढ़ा कि स्टार्च क्या हुआ? पॉलीसेक्राइड, और शुगर क्या हुआ? डाइसेक्राइड। यानी जो पॉली का ये बॉन्ड है उसको एमाइलेज ने, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन ने ब्रेक कर दिया है दो दो के फॉर्म में,
दो है तो डाई हो जाएगा, सिंगल रहता तो मोनो हो जाता, डबल हो है तो डाई है, ट्रिपल होता तो ट्राई हो जाता, चार होते तो टेट्रा हो जाते, पांच होते तो पेंटा हो जाते, फिर हेक्सा। जितना नंबर होंगे वैसे इस तरह से काउंटिंग बढ़ेगी। तो यहाँ पे दो दो के पॉइंट ने में उसने ब्रेक कर दिया और बना दिया माल्टोज शुगर यानी ट्राइसैकराइड, यानी क्या हुआ, स्टार्च का ब्रेकडाउन हुआ सलाइवरी एमाइलेज के प्रेजेंस में, शुगर में जो है डाइसैकेराइड और स्टार्च क्या है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब आप सोचेंगे कि और उसके बाद मतलब ये सिर्फ यू नो माल्टोज में क्योंकि पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देता है ग्लूकोज में या उसके फॉर्म में, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि फुल्ली डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसलिए जो माउथ है, बक्कल कैविटी है या फिर स्टमक है, ये सब पार्शियल डाइजेशन करते हैं। फुल्ली जो डाइजेशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप क्या बताएंगे? हमारा डाइजेशन जो होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ से हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पे च्यूइंग होता है खाने का, उसके बाद वो जाता है स्टमक में जहाँ पे उसके बाद के प्रोसेसेस होते हैं। तो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ में क्या है? टीथ है जो खाने को च्यू करने में हेल्प करते हैं। सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है जो यू नो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करती है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड है। शुगर क्या है? डाइसेक्राइड है। यानी पॉलीसेक्राइड में ढेर सारे जो ग्लूकोज को उसने दो दो के ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब पूरे में क्यों नहीं ब्रेक किया, यानी और भी स्मॉल फॉर्म में क्यों नहीं ब्रेक किया? क्योंकि हमें पता है कि फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए यू नो स्टमक या बक्कल कैविटी में पार्शियल डाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब हर स्टेप में आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम नेक्स्ट जब पढ़ाएं जो भी चीज़ तो वो भी क्लियर हो। उसके बाद इट ऑल्सो कंटेन म्यूकस विच हेल्प टू सॉफ्टन द फूड इन टू अ बोलस। बोलस क्या होता है? जो हम खाने को खाते हैं और बॉल टाइप में एक मतलब हो जाता है ना, च्यू करते हैं टंग से और ये सबसे तीत उससे च्यू करके, तो उसको खाने को जोड़ने वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। बोलस में म्यूकस भी हेल्प करता है उसको सॉफ्ट करने में, ताकि हम खाने को अच्छे से अंदर डाल सके, उसको अंदर पुश करके डाल सके। ठीक है, यहाँ तक हुआ हमारा सलाइवरी एमाइलेज या सलाइवरी ग्लैंड का काम। उसके बाद हम सेकंड जो पार्ट है बक्कल कैविटी में वो है टंग। टंग क्योंकि बहुत सिंपल है, हमें पता है बहुत मस्कुलर उसका स्ट्रक्चर होता है और उसमें यू नो टेस्टिंग बर्ड्स पाए जाते हैं जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये हमारा टंग का हो गया। उसके बाद हम आते हैं टीथ। टंग के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे हम टीथ को लेते हैं। टीथ जो होता है वो फोर टाइप्स का होता है, यानी हेट्रोडोंट होता है। फोर टाइप का मतलब क्या हुआ? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। क्या हुआ? प्रीमोलर एंड मोलर। तो यहाँ पे जो टीथ हुआ वो हेट्रोडोंट हुआ, फोर टाइप्स का हुआ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर का जो काम है वो है बाइटिंग का, च्यू कर लिया। कैनाइन का जो काम है वेयरिंग एंड टेयरिंग का, मीन्स उसको फाड़ा जो भी किया। प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं लास्ट के जो टीथ होते हैं वो होते हैं जो च्यूइंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं। अब जैसे ये हमारा क्या हो गया है? अपर जॉ, जो ऊपर का जॉ लाइन है, ये हो गया है नीचे का। ठीक है, और जो टीथ होता है वो जो बच्चे यू नो छोटे बच्चे होते हैं उनमें वो 20 नंबर्स होते हैं। टीथ का सिर्फ 20 नंबर्स होता है छोटे बच्चों में, जो स्टार्ट हो जाता है 6 मंथ से और आगे के 1 ईयर से, ऐसे 1.5 ईयर से 2 ईयर्स में उनके कंप्लीट दांत आ जाते हैं, जो सिर्फ 20 नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? परमानेंट नहीं होते हैं। क्या? परमानेंट नहीं होते हैं। उसके बाद जब वो टीथ गिर जाते हैं तो परमानेंट टीथ आते हैं जो 28 नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं उनके नंबर्स? 28 होते हैं। 28 प्लस 4 होते हैं जो विजडम टीथ होते हैं। क्या होते हैं? विजडम टीथ होते हैं। 28 प्लस 4 नंबर्स में होते हैं। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, ये है अपर जॉ, ये है लोअर जॉ। क्या है ये? अपर जॉ है, ये लोअर जॉ। यहाँ पे इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है। यहाँ पे भी इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है। ये दो इसमें भी है चारों टाइप के टीथ, और नीचे वाले में भी चारों टाइप के टीथ है। अब इंसीजर की बात करेंगे, यानी हम पहले अपर जॉ की बात करेंगे। अपर जॉ में इंसीजर है 4 नंबर में, प्लस कैनाइन जो है वो 2 है नंबर में, उसके बाद प्लस प्री मोलर जो है वो भी है 4 नंबर में, एंड मोलर जो है वो 6 नंबर में। ये पूरे अपर जॉ की बात कर रहे हैं। उसके बाद लोअर जॉ की बात करें, उसमें भी सेम नंबर में है, ठीक है। अब ये सब मिलके कितने हो गए? 32। यानी ये सारे जो हुए ये 16 हो गए, ये सारे जो हुए 16 हो गए, और दोनों को हमने प्लस किया तो वो हो गए 32। क्या हो गए? 32। तो ये हमारा क्या हो गया? डेंटल फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? डेंटल फॉर्मूला हो गया। तो हमने क्या देखा कि 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्री मोलर एंड 6 मोलर जो होते हैं अपर जॉ में पाए जाते हैं, और सेम चीज़ें जो होती हैं वो लोअर जॉ में पाई जाती हैं, ठीक है। और सब मिलके कितना हो गया? 32 नंबर्स हो गए। अब टीथ की बात करें तो हमारा टीथ जो होता है वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ऐसे देखने में तो आपको लगेगा कि बोन्स हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट है, बट ऐसा नहीं है। ये टीथ जो होता है वो बोन से भी हार्ड होता है। क्या होता है? बोन से भी हार्ड होता है। अगर हम उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये है हमारा टीथ, ये दो पार्ट से मिलके बना होता है। आउटर को हम इनेमल कहते हैं, और इनर को जो अंदर वाला होता है डेंटाइन कहते हैं, ठीक है। ये जो होता है सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, और ये जो होता है सब ये भी हार्डेस्ट होता है, बट ये क्या होता है? बोन्स के जैसा इसका हार्डनेस होता है, बट जो एनिमल होता है वो बोन से भी ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, क्योंकि ये मिलके बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो हमने क्या देखा कि टीथ दो टाइप्स के ऊपर की जो आउटर कवरिंग होती है वो एनिमल होती है, जो इनर वाली जो पार्ट होता है उसको डेंटाइन कहते हैं। एनिमल जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, ये बोन से भी ज़्यादा हार्डेस्ट होता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। उसके बाद जो अंदर का पार्ट होता है उसको डेंटाइन कहते हैं, वो भी काफ़ी हार्ड होता है, बट वो एनिमल से कम होता है। उसकी हार्डनेस जो होती है वो बोन्स के इक्वल होती है, ठीक है। ये हमने देखा टीथ में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? माउथ के बारे में पढ़ा, उसके बाद बकल कैविटी में उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी चीज़ें बकल कैविटी में खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो हमने सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा, टंग के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा, आगे भी हम इसको और लेंगे। उसके बाद हमने टीथ पढ़ा, टीथ को देखा कि वो हेट्रोडोंट होता है, 4 टाइप का होता है, 4 टाइप्स में जो उसका डेंटल फॉर्मूला है उसको हमने देखा, और टीथ किन पार्ट से बना होता है, किन किन चीज़ों से बना होता है वो हमने दो पार्ट देखा, एनामेल एंड डेंटाइन। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट लेंगे। तो आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।